फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड के भ्यूंडार घाटी में स्थित एक खूबसूरत बियाबान जिसकी स्थापना 6 सितंबर 1982 को की गई थी। हालांकि आजकल शीतकाल के लिए फूलों की घाटी पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए बंद है, लेकिन अपनी दुर्लभ जैव विविधता और वन्य जीवन की सुरक्षा को देखते हुए फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क के सुरक्षा दस्ते लगातार भ्यूंडार खाल के नीचे टिपरा खर्क से लेकर के स्कुंट खाल बामड़धौड़ तक लंबी दूरी की पेट्रोलिंग कर वन्य जीव सुरक्षा का दायित्व संभाले हुए हैं। और इसके साथ ही शीतकाल में जब यहाँ बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी हो जाएगी तो ये कुछ ट्रैप कैमरे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये घाटी की सुरक्षा का जिम्मा लेंगे। अभी तक लगभग 10 ट्रैप कैमरे फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में लगाए गए हैं और 8 ट्रैप कैमरे और लगने हैं ताकि वन्य जीव तस्करों और अन्य जड़ी बूटियों के तस्करों से फूलों की घाटी को बचाया जाए और यहाँ रहने वाले दुर्लभ हिम तेंदुए, कस्तूरी मृग, भरल, काला भालू सहित अन्य दुर्लभ प्रजातियों के वन्य जीव तस्करों से बचाया जाए, इसके लिए फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क के कर्मी तत्पर और सजग रूप में यहाँ पे अपनी सुरक्षा का दायित्व और वन्य जीवों